तमाम मजलिस के MLA सकबरुद्दीन अवैसी साहब की लीडरशिप में असद साहब के बोलने पर जाकर साहब से नुमाइंदगी करेंगे। जो आसिफाबाद एरिया के अंदर जो एलेक्स उसके ऊपर जाकर प्रेजेंटेशन किए हैं कि आप पूरी जो इंक्वायरी करिए कि जो वो इंसिडेंट वो एक आदिवासी लेडी के साथ हुआ उसके साथ जो फैक्ट है उसके ऊपर अकॉर्डिंगली एक्शन लीजिए। जो भी गलती करा उसको भुगतना नहीं चाहिए और उसके साथ ही साथ जो मनसूबाबंद तरीके से वहाँ के लोगों को व्यापारियों को एक फसाद का माहौल बनाकर 59 शॉप्स और 5 मसाजिद के ऊपर जो हमला किया गया है ये RSS और कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है हमारे को जो इत्तला मिले थे हमने DGP साहब को अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने उनको तमाम तफसीलात दिया है कि जो भी लोग खाती है चाहे वो जो आदिवासी के साथ करा अगर उन्हें खाती है तो उसको भी कोई सज़ा के अंदर रियायत मुरव्वत नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये दुकाना जलाकर गरीब मुसलमानों के मसाजिद के ऊपर दुकाना जलाकर कारोबार 59-60 शॉप बंद करे 5 मसाजिद के ऊपर अटैक करे और पूरे तेलंगाना का माहौल ख़राब करने के लिए प्री प्लान तरीके से हमारे को जो इत्तलात मिले इसके अंदर जो जो लोग इन्वॉल्व हैं वो तमाम नाम हमने DGP साहब को तमाम तफसीलात दी है और हमने उनसे मुतालबा किया है हुकूमत से और पुलिस डिपार्टमेंट से कि हर किस्म के साथियों के साथ हर किस्म के फिरकापरस्त ताकतों के साथ इसके अंदर शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी जराइम हुए हैं जो तमाम को सख्त से सख्त कार्रवाई उनके साथ कार्रवाई की जाए सबको अरेस्ट किया जाए और जेलों में भेजा जाए।